हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर मिलन कुमार गुरु। और गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगने से आप लोग प्लीज़ लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और गाइस यार, एक वीडियो बनाने में यार काफ़ी मेहनत लगता है। हाँ, बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं। हाँ, बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखने के बाद वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ओके, देन मिलते हैं वीडियो में। और गाइस, आज का मेरा टॉपिक है कि मतलब अगर जो लोग एब्रॉड में जॉब करना चाहते हैं तो मतलब जॉब कैसे सर्च करें और अपने लोकल एरिया में आप कंसल्टेंसी कैसे सर्च करें, तो उसी के ऊपर मेरा एक आज एक वीडियो है छोटा सा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखना। ओके ओके गाइस, तो मेरा सबसे पहले आप लोग अपने सिटी में कंसल्टेंसी सर्च करें। हाँ, वो वाला कंसल्टेंसी सर्च करना है जो लोग एब्रॉड के लिए जॉब रिक्रूट करते हैं, तो वो कंसल्टेंसी सबसे पहले आप लोग सर्च करें। और गाइस, सर्च करने के लिए आप लोग गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल में आप देख सकते हैं कि आपके लोकल में कौन सा कंसल्टेंसी है। सेकेंड है कि आप लोग मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट में भी जॉब सर्च करते हैं, हाँ जॉब कर सकते हैं। और आजकल तो यूट्यूब में हो गया, फेसबुक में हो गया, जॉब्स के लिए काफ़ी अपडेट आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हाँ सोशल नेटवर्किंग साइट में भी आप लोग देखें और वहाँ पे जो नंबर प्रोवाइड किया जाता है वो नंबर में कॉन्टैक्ट करके सारा डिटेल्स आप ले सकते हैं। और गाइस, मैं तो आपका सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से हूँ, तो सिलीगुड़ी में हम लोग का 2-3 कंसल्टेंसी है। कंसल्टेंसी तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं 2-3 कंसल्टेंसी को जानता हूँ, पहचानता हूँ। और वो लोग का जो भी है एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आप लोग को वीडियो में दे दूंगा, और साथ ही में आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग डिटेल्स देख सकते हैं। और गाइस, इसके बाद कंसल्टेंसी सर्च करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन ये है, आप लोग कंसल्टेंसी में विज़िट करें और अपना सीवी और पासपोर्ट का जेरोक्स वहाँ पे दे, या फिर आप लोग व्हाट्सएप में PDF के थ्रू भी दे सकते हैं। और गाइस, इसके बाद नेक्स्ट है, आप कंसल्टेंसी का नंबर अपने पास में रखें, व्हाट्सएप नंबर हो या नॉर्मल जनरल नंबर हो, तो वो लोग का नंबर रखें। और आप जैसे ही कंसल्टेंसी में अपना CV और पासपोर्ट आप लोग सबमिट करते हैं, तो गाइस उसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो भी करेंगे कंसल्टेंसी वाले करेंगे। और जब भी वहाँ पे कोई भी जॉब आएगा, हाँ जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड हो गया, सेल्स का हो गया, हाँ या फिर क्लीनर का हो गया, हाँ किसी भी फील्ड का जॉब आएगा, तो वो लोग आपको अपडेट ज़रूर करेंगे, आपको कॉल करके बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, और आपको डेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग उस डेट में जाएं, सारा डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेके और इंटरव्यू दें। और गाइस, जब भी आप लोग कंसल्टेंसी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, हाँ तो साथ में अपना सारा डॉक्यूमेंट रखें, जैसे कि अपना फ़ोटो हो गया, पासपोर्ट हो गया, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हो गया ओरिजिनल, हाँ विथ मतलब जेरोक्स के साथ में, क्योंकि पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। ओके, और गाइस मैं आप लोग को एक बात बताना चाह रहा था, जैसे कि मैं यहाँ पे दुबई में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ, तो मेरे को YouTube चैनल में मतलब काफ़ी लोग मतलब पूछते हैं कि सर मेरे को भी दुबई में जॉब करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप कुछ हेल्प करें। और गाइस मैं आप लोग को बता दूँ, क्योंकि मैं खुद हाँ सिलीगुड़ी से एक कंसल्टेंसी के थ्रू यहाँ पर आया था जॉब के लिए। तो गाइस, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ हाँ यहाँ पर आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हूँ। और गाइस, क्योंकि मैं खुद वहाँ से कंसल्टेंसी के थ्रू आया था, तो गाइस यहाँ से तो मैं आप लोग का कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा, बस मैं आप लोग को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हूँ कि मतलब मुझे जॉब कैसे मिला, मैंने मतलब क्या क्या स्टेप मैंने लिए मतलब जॉब के लिए, हाँ ये सारा नॉलेज, हाँ मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा कि मेरे को जॉब कैसे मिला, कि हाँ मैंने मतलब क्या क्या किया, तो ये सब एक्सपीरियंस हाँ मैं आप लोग के साथ में शेयर इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग भी हाँ सेम टू सेम स्टेप आप लोग ले और आप लोग इंटरव्यू दें और बाहर आएँ काम करने के लिए। और गाइस, मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो आप लोग का सिलेक्शन नहीं होता है किसी कारण से, इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ या किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप लोग प्लीज़ अपसेट मत होना, दोबारा कोई भी नेक्स्ट इंटरव्यू आएगा, दोबारा आप लोग अप्लाई करें
और गाइज मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस हाँ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर रहा हूँ दुबई में। हाँ, 6 मंथ हो गया मेरा। और गाइज मैंने भी मतलब सिक्योरिटी गार्ड का जॉब से पहले बहुत सारे इंटरव्यू दिया, बहुत सारे फील्ड में मैंने इंटरव्यू दिया, तो मेरा तो मतलब कभी सिलेक्शन हुआ कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मेरे को सिक्योरिटी गार्ड अच्छा लगा तो मैं इसमें आ गया सिलेक्शन होके। तो प्लीज़ आप लोग मायूस ना हो अगर सिलेक्शन ना हो तो। और गाइज साथ में आप लोग एब्रॉड के लिए जॉब के लिए अप्लाई करें, और साथ में आप लोग हाँ जहाँ पे भी आप लोग काम कर रहे हैं अपने लोकल जगह में, क्योंकि यार घर का खर्च तो चलाना पड़ेगा, तो प्लीज़ हाँ जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जब तक आपका वीज़ा नहीं आता है, तो प्लीज़ आप लोग अपने लोकल एरिया में अपना जॉब नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जब तक आपको कंटिन्यू करना है अपना जॉब, प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। और गाइज मैंने आपको जितने भी स्टेप्स बताए हैं, ये सारे स्टेप्स मैंने मतलब फॉलो किए थे जॉब के लिए। हाँ, तो गाइज मैं अभी मतलब 6 मंथ रनिंग है मेरा यहाँ पे दुबई में आके, मैं जॉब कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और गाइज ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और गाइज मैं आप लोग को एक और बात बता दूँ, हाँ हो सके जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे मतलब व्यूवर्स हैं और मेरे मतलब सब्सक्राइबर हैं, मैं सबको एक ही हाँ एक ही बात बताऊंगा। यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हाँ मैंने आज भी देखा सिक्योरिटी गार्ड के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे यहाँ पे दुबई में इंटरव्यू के लिए। तो गाइज वो लोग आए थे यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा में, हाँ टूरिस्ट वीज़ा में 2-3 लोग से मैंने बात भी किया। वो लोग 6-7 मंथ से दुबई में हैं, लेकिन कोई जॉब वो लोग को नहीं मिल रहा है। हाँ, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उन लोग को रहने में। और जो लोग आते हैं टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं, विजिट वीज़ा में आते हैं, हाँ तो यहाँ पे आके वो लोग रेंट में रह के हाँ जॉब सर्च करते हैं, जो कि यार अगर मान लो किसी का किस्मत अच्छा हुआ तो 1 वीक 1-2 महीने के अंदर मिल गया जॉब तो अच्छा है। हाँ, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, मैंने 2-3 लोगों से बात किया, 6-7 मंथ से वो लोग यहाँ पे हाँ जॉब सर्च कर रहे हैं, पर वो लोग को जॉब नहीं मिल रहा है। और यार यहाँ पे दुबई मतलब बहुत ज़्यादा महंगा सिटी है, हाँ रेंट हो गया, खाना पीना, ट्रैवलिंग कॉस्ट, हाँ तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, तो मतलब आप लोग अपने लोकल स्टेट या फिर लोकल सिटी से ही कंसल्टेंसी के थ्रू आप लोग आएँ तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी कंसल्टेंसी के थ्रू आया था। हाँ, मेरे को कुछ भी हेडेक नहीं हुआ, जो कुछ किया मैंने बस पैसे दिए, जो कुछ किया कंसल्टेंसी वालों ने किया। हाँ तो रिक्वेस्ट है, मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, तो हो सके तो आप लोग कंसल्टेंसी के थ्रू डायरेक्ट वहीं से सब कुछ प्रिपेयर होके आए। और गाइज हाँ मतलब बहुत लोग हैं विजिट वीज़ा में आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो लोग का कोई रिलेटिव हो और वो लोग का लिंक हो, तो हाँ वो लोग ऐसा कर सकते हैं, वरना जितने भी हैं जनरल लोग हैं हाँ नॉर्मली कंसल्टेंसी के थ्रू आए तो आप लोग के लिए अच्छा होगा। ओके गाइज तो मैं अपना वीडियो हाँ यहीं पे विराम देता हूँ। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगने से प्लीज़ आप लोग को मालूम है यार सब्सक्राइब करना है, और गाइज आप लोग सब्सक्राइब करना। और गाइज आप लोग के साथ एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखने के बाद यार वीडियो लाइक नहीं करते हो यार, वीडियो ज़रूर लाइक करना यार, क्योंकि लाइक करने से हम लोग को ना काफ़ी अच्छा लगता है, नेक्स्ट हाँ वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो ओके देन बाय।